ये थोड़ा गंभीर नाटक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, तब ये समझ में आएगा। ये लो, क्या मेरा देव ताना? नमस्ते, मेरा नाम अमित है और मैं 2015 से दिल्ली में थिएटर कर रहा हूँ। फरवरी में दिल्ली से अपने गांव आया था। कोविड की वजह से गांव में ही रह गया। लगभग 4 महीने लॉकडाउन हटने का इंतजार करता रहा, लेकिन इंतजार कब तक करता। और आज तुमने सोना का नाच भी नहीं देखा। वाह, कितना अच्छा नाचते है। आखिरकार एक दिन गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और बिना चार्ज किए फ्री वर्कशॉप शुरू कर दिया। 15 दिनों की वर्कशॉप और 1 महीने की रिहर्सल के बाद नाटक तैयार हुआ। अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आँखों पानी कैसा? ये लोग क्यों ऊँचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं, एक से एक छोटे हैं। चोरी ये करें, चार फरेब ये करें। मैंने अपनी टीम के साथ गांव के अलग अलग मोहल्लों में जाकर नाटक किया। हमने कुल 9 नाटक किए। लोगों ने नाटक बहुत पसंद किया, बहुत तारीफ हुई, बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम बहुत खुश थी। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना थिएटर कब तक किया जा सकता है? थोड़ी बहुत जो सेविंग थी वो लॉकडाउन में ख़त्म हो गई। नोएडा के एक एनजीओ में मैं छोटे बच्चों को थिएटर सिखाता हूँ। स्कूल्स बंद होने की वजह से पिछले 8 महीनों से मेरी सैलरी भी नहीं मिली। फिलहाल नए नाटक पर काम शुरू कर चुका हूँ। हमें अपने ग्रुप के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदने हैं, कुछ खर्चे और भी हैं। मुझे उम्मीद है आपका प्यार और सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। आज आपका सहयोग इन बच्चों की पर्सनल ग्रोथ और कल्चरल डेवलपमेंट को मजबूत कर सकता है। पहलवा गांव में करेंगे नाटक और हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। हम लोग आज बाइक से जाते थे पहले, लेकिन आज बाइक है नहीं तो हमें साइकिल से निकल चुके हैं। आज थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हमारे साथ नाटक के कुछ भैया लोग चल रहे हैं। आगे श्याम यारी भैया, उनके पीछे बैठा हमारा छोटा भाई है और बीच में हमारे उदय सिंह यानी उमेश है और गोलू भैया है और अमित भैया देखिए हमारी साइकिल चला रहे हैं और उस पर हम बैठे। थैंक यू।